नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में देखने वाले एक बहुत ही बड़ी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे HPCL के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस सेक्टर में जो भी कंपनियाँ काम कर रहे उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बोल सकते हैं। तो कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे डिटेल में देखने वाले, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर, जो भी स्टॉक ले रहे खुद का स्टडी करने के बाद फैसला ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा रहेगा, जो HPCL जो स्टॉक है यहाँ पे पिछले एक साल से लगभग 20% के आसपास क्रैश है, एक ही रेंज में लगातार घूम रहा है। 250 तक जाता है, वापस से गिरता है, वापस से 250 जाता है, वापस से गिरता है, वापस से यहाँ पे 250 का लेवल क्रॉस करता है। अगर यहाँ पे बड़ी मूवमेंट चाहिए तो कंपनी को कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। तो जो न्यूज़ है, आने वाले समय में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है HPCL कंपनी के लिए। तो कौन सी न्यूज़ है यहाँ पे पूरे डिटेल में देखने वाले, उससे पहले कंपनी का बिजनेस क्या है वो जान लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका लॉजिक रहेगा न्यूज़ के पीछे का वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि जो HPCL हो या फिर BPCL जो कंपनी, इनका जो मेन बिजनेस क्या है, बाहर से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है, और आगे जाके पेट्रोल डीजल के फॉर्म में यहाँ पे जो इंडिया में कस्टमर है इनको बेचने का कंपनी काम करते। तो बहुत ही सॉलिड बिजनेस है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में कंपनी को अच्छा यहाँ पे फायदा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होने के कारण इस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलते। तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, तो आप लोगों को पता रहेगा, अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल के ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है तो इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी का जो पैसा है बहुत सारा बच जाएगा, और यहाँ पे कस्टमर को महंगे दाम पे अगर पेट्रोल डीजल बेचते तो यहाँ पे एक तो ऊपर से डिस्काउंट मिल रहा है और कस्टमर को महंगे बेच रहे, तो इसका कंपनी को जो आने वाले जो रिजल्ट रहेंगे उसमें बहुत ही बड़ा फायदा होगा। तो आप लोगों को पता रहेगा, जो रशिया है यहाँ पे, रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ था, तो रशिया ने अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले समय में यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे बिग डिस्काउंट देने वाला है क्रूड ऑयल में। लगभग जो डिस्काउंट था 25% के आसपास डिस्काउंट था, और आप लोगों को पता रहेगा हम लोग जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते पूरे वर्ल्ड से 80% के आसपास क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते, तो रशिया से भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते। अगर रशिया डिस्काउंट देता है क्रूड ऑयल के ऊपर तो इसका जो फायदा है इंडिया को आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। जो भी सेक्टर में कंपनियाँ काम कर रही, BPCL, IOC, HPCL, इन कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में। तो न्यूज़ क्या है आप लोग पढ़ सकते हैं, रशिया नाउ लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर टू इंडिया। तो यहाँ पे रशिया सबसे बड़ा यहाँ पे इंडिया को क्रूड ऑयल देने में एक्सपोर्टर बन चुका है, ऐसा न्यूज़ है। मतलब क्या है, हम रशिया से बहुत ही ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट रहेंगे उसमें बहुत ही बड़ी जंप दिख सकते हैं। तो जैसे कि जो आप लोग चेक कर सकते हैं प्राइस कैप, जो लगभग $60 पर बैरल लिखा गया है, तो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। इसके अलावा हमने जो रशिया से इंपोर्ट किया है $3.35 बिलियन के आसपास यहाँ पे इंपोर्ट किया है। उसके बाद सऊदी अरेबिया से लगभग $2.35 बिलियन के आसपास, इराक से कितना किया है $2.03 बिलियन के आसपास। तो देखा जाए तो रशिया से हम लोग बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है इम्पोर्ट करने की कोशिश करें। तो आने वाले समय में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसमें जंप दिख सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट में जंप आ सकती है तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का तो जो कंपनी का जो स्टॉक है लगातार एक दायरे में घूम रहा है, इसमें ब्रेकआउट मिल सकते हैं और स्टॉक भाग सकता है। लेकिन आने वाले समय में जो कंडीशन है, ईप और एल्स वाली कंडीशन है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे जम दिखेगी, अगर नहीं होगा तो मे भी स्टॉक गिर भी सकता है। तो रिस्क और रिवॉर्ड सेम है, ऊपर से गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होने के कारण ऐसे कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। तो जो भी पैसा लगाएंगे खुद का स्टडी करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं। डायरेक्ट वीडियो देखिए, यहाँ पे कोई भी बाय और सेल का यहाँ पे डिसीजन मत लीजिए। ऐसा था आज का वीडियो यहाँ पे HPCL के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।